दर्पण देख रहे हैं और हम एक ऐसी प्रतिभा आपके बीच लेकर आ रहे हैं जो गांव से निकलकर आज पूरे बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में इनको राज्य सरकार के द्वारा खेल पुरस्कार से नवाजा गया है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि ऐसा है कि पूरे परिवार में खुशी का माहौल तो लेकर आया ही है, इसके साथ साथ पूरे गांव, परिवार, प्रखंड और जिले का भी नाम रोशन हुआ है। और आज हर कोई उस उपलब्धि पाने वाले युवक से और उनकी चेहरा और उनकी जीवनी और उनकी बातों को सुनने के लिए उत्साहित है। इसी के आलोक में आज हमारी टीम रोहतास प्रखंड मुख्यालय से चंद कदम के दूरी पर बकनोरा गांव में दस्तक दी है, जहां पे आज हमारी मुलाकात अजय पहलवान से हो रही है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि अजय पहलवान को राज्य सरकार ने किस चीज़ के लिए और किस क्षेत्र में उन्हें खेल पुरस्कार से नवाजा है। अजय, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि जो पटना में आपको खेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, उसकी शुरुआती कहानी क्या है? पहले तो उदय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, आपके अंदर जो खुशी हुई या हमें और आगे मोटिवेट करने के लिए हमारे यहाँ पहुँचे हैं, तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। मैं बता दूं कि हम अभी इंटरनेशनल कुश्ती प्रशिक्षक हैं और बिहार सरकार के एकलव्य केंद्र में पदस्थापित हैं, कैमूर बिछिया व्यायामशाला में, जहाँ आवासीय सेंटर है, बच्चों का रहने से लेकर हर चीज बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। तो ये जो अवार्ड हमें मिला है, ये दूसरी बार है। 2017 में भी हमें दिया गया था उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हमारे। अच्छा, इससे पहले भी आप पुरस्कृत हो चुके हैं, ये दूसरा है, ये तो गर्व की बात है। दूसरी बार है, हमें भी बहुत खुशी हुई कि राज्य सरकार हम पे भरोसा करती है और हमें आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयास। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, कला संस्कृति युवा विभाग के प्रधान सचिव महोदया, हम बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंदर सर का अग्रसर ध्यान हम लोगों के ऊपर होता है कि जो भी खिलाड़ी या प्रशिक्षक देश स्तर पर नाम करते हैं, हम तो ऐसे प्रशिक्षक हैं, तो हमारे बच्चे, चार बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त किए, उसके उपलक्ष्य में हमें एक प्रोत्साहन। ये तो बहुत ही मैंने प्राउडेड बात है। अजय जी, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब आदमी संघर्ष करता है और अपने क्षेत्रों में सब कुछ चीज़ झोंक देता है, इसके बाद पूरी जिंदगी बीत जाती है, उसका कोई रिवार्डेड नहीं मिलता है, लेकिन जब आप राज्य सरकार द्वारा दो दो बार पुरस्कृत होते हैं, कितना अंदर से एक खुशी और प्राउड फीलिंग होता है। और जब आप उस प्रशस्ति पत्र को और आपके पीछे देख रहे हैं कि पूरा मेडल का एक शोकेस लगा हुआ है, आप तमाम तरह के मेडल से नवाजे गए हैं, किस तरह से अपने पीछे हुए बीते हुए पल को याद करते हैं, जब वो दिन संघर्ष कर रहा होगा या लोगों को लगता होगा कि अजय अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, जब आप मेडल और प्रशस्ति पत्र लेकर राज्य सरकार द्वारा नवाजे जाने के बाद गांव पहुंचते हैं, अपने घर में आने के बाद कैसा फीलिंग होता है? देखिए, हर मनुष्य या हर खिलाड़ी, हम तो खिलाड़ी पर ही ज़्यादा करेंगे कि संघर्ष हर किसी का जो शुरुआती क्षण होता है, बहुत ही कठिनाई होता है, बड़ी उलझने झेलना पड़ता है, एक दूसरे का प्रताड़ना, घर हो या बाहर के लोगों का हंसी, और वही हंसी को जो बर्दाश्त कर लिया, उस एम को आपने ले लिया कि हमें कुछ करके दिखाना है, लोगों को मुंह बंद करना है, एक एम प्लान, जो प्लान तैयार अपने लाइफ में जरूरी है कि अपने गोल को सेटिंग करें। आपने गोल को सेटिंग किया, हम तो पहले शुरुआती क्षण में किसी के पीठ जर्सी के ऊपर लिखा देखते थे कि रोहतास जिला लिखा हुआ है, तो हमें बड़ा गर्वान्वित हम होते थे कि हमारे पीठ पर कब रोहतास जिले का नाम आए। फिर मैंने देखा कि बिहार, पीठ के ऊपर जर्सी पे बिहार लिखा हुआ था, उससे मैंने प्रेरणा लिया। उसके बाद हम भी नेशनल लेवल के प्लेयर बने और उसके बाद इंडिया, तो इससे हम इमोशनल होते गए और हमने भी ठान लिया कि हम भी पीठ पर एक ना एक दिन इंडिया लिखा कर चलूँगा। और आज सभी लोगों का, मेरे गुरुजनों का, मेरे क्षेत्रवासियों का और पूरे जिला, पूरे बिहार वासियों का आशीर्वाद प्रेम रहा। कल जब आप पटना थे, पटना में विभाग के प्रधान सचिव हरजीत कौर और युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र राय जब आपके सामने आए मुख्य अतिथि बन के,
जब उस समय आपको मंच पे बुलाया गया, उस समय का माहौल कैसा था और लगा कि आज आपकी मेहनत सफल हुई? उससे बड़ी जीवन की खुशी नहीं हो सकती है कि जिनसे मिलने के लिए आप तरस जाए और वो लोग आपको सम्मानित कर रहे हैं, तो इससे बड़ा मेरे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता था। और मैं इतना खुश था कि मैं अपने आप में नहीं था, इतना खुशी मुझे जीवन में इस बार जो मिला बहुत ज्यादा उत्साह करने वाली प्रशस्ति पत्र है। हम थोड़ा सा चाहेंगे कि कैमरा से आप दिखा दीजिएगा, अजय कुमार यादव को कल 2022-23 के लिए ये खेल विधायक से प्रशिक्षण कार्य और उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। यही चीज है जो पाने के लिए लोगों का पूरा जीवन बीत जाता है और संघर्ष करते करते उम्र खत्म हो जाती है, लेकिन ये एक सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, जीवन का वह उपलब्धि है जो आदमी के मेहनत और उनके संघर्षशील होने की जुनून को दर्शाता है। इस उपलब्धि का श्रेय किसको देना चाहेंगे, अगर हम उपलब्धि की बात करें आपको यहाँ तक पहुँचाने? इस उपलब्धि में मेरे पूरे परिवार का सहयोग है, मेरे जो भी साथी आप लोगों ने तो मोटिवेट करते ही रहते हैं हर मोड़ पे, और उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे से ट्रेनिंग लेकर जो प्रशिक्षु देश स्तर पर नाम कर रहे हैं, उनका मेन श्रेय जाता है कि वो अच्छा किए, हमारे चीज़ों को सीखे और देश पर जाकर मेडल जीते, जिसका श्रेय है कि मुझे राज्य सरकार को बाध्य होकर प्रसन्नतापूर्वक मुझे ये सम्मान देना पड़ा और दिया, और मुझे मैं धन्यवाद देता हूँ अपने विभाग कला संस्कृति और विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक मैडम हरजोत कौर मैडम को कि हमें इस लायक समझा, और मैं खरा उतरूंगा। बिहार सरकार ने मुझे लगातार दूसरी बार 2017 और 2023 में कुश्ती में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ये रिवार्ड मुझे मिला है, तो मैं भी सरकार के हर कदम पर चलने का कोशिश करूंगा। आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग खेल से दूरी बना रहे थे और जिनके गार्जियन खेल से बच्चों को हटा रहे थे, उनके लिए ये सबक है कि पहले जो कहावत था कि खेलों को कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो वो बात ही भूल जाइए। और मैं बता देता हूँ, बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का ऐसा प्लान तैयार है बिहार के अंदर, मेडल लाओ मेडल और नौकरी पाओ। अभी 10-15 दिन के अंदर में जितने भी लड़के नेशनल स्तर पर मेडल प्राप्त किए हैं, सबका ज्वाइनिंग लेटर लगभग तैयार हो चुका है। अब सभी बिना कोई पूछताछ, बिना इंटरव्यू के, केवल कागज पर सब ज्वाइन करने वाले खेल हैं। के विधा पे आपको नौकरी सुनिश्चित। खेल हम प्रशिक्षक हैं, तो हमें राज्य सरकार के द्वारा रखी गई है प्रशिक्षण के लिए, और सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में बिहार के लोगों को चाहिए कि जितना हो सके, बिहार का एम है 2028 ओलंपिक में हमारा किसी एक बिहारी पार्टिसिपेट करे। जब से बिहार झारखंड अलग हुआ है, उसके बाद कोई भी बिहारी ओलंपिक में पार्टिसिपेट तक नहीं किया है, तो एक बिहार का हमारा मोटो है कि हर हाल में ओलंपिक दिन रात एक करके हम लोग अपने अधिकारी, अपने पदाधिकारी, अपने मुख्यमंत्री का साथ देना है। हम लोग तत्पर काम कर रहे हैं कि कैसे भी हमारा बच्चा बिहार से ओलंपिक में रिप्रेजेंट करें। अजय जी, ये तो हो गया, आप अपने बारे में संक्षिप्त उपलब्धि बताइएगा कि आप अपने अभी तक कौन कौन से क्षेत्रों में बेहतर किया है और कहाँ तक, कहाँ आपने प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षण के लिए आप गए और क्या क्या आपकी उपलब्धि रही? सर, हम तो ऐसे एकलव्य कुश्ती केंद्र के प्रशिक्षक हैं ही, बट 2017 में भारतीय कुश्ती संघ के साथ भी मैं जुड़ा, जो बैंकॉक थाईलैंड में भारतीय कुश्ती संघ के दल के रूप में शामिल हुआ। वहाँ भारत को 7 मेडल प्राप्त हुए थे, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड लेकर, ये हमारी उपलब्धि है। और अभी हमारे लगभग 13 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे मेडल जीत चुके हैं, तो आप लोग का ये तो ये आपकी मेहनत का रंग है कि बच्चे आगे कर रहे हैं, आप भी बेहतर कर रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा आपको नवाजा गया, पुरस्कृत किया गया 2-2 बार, ये बहुत बड़ी बात है। अजय जी ये हमारे साथ थे आज के इस बातचीत में, और ये पूरे रोहतास प्रखंड के नहीं, पूरे रोहतास जिले और पूरे बिहार के लिए
गर्व की बात है कि खेल विधा में और कुश्ती में जहां अपने बच्चों को लोग सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल तक ही सीमित रखते हैं, कुश्ती में इस तरह का मेडल लाना बहुत ही गर्व की बात है। सेगमेंट के बाद हम इनके परिजनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अजय को घर से गांव से निकलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता तक पहुंचाने में इनके माता पिता परिवार का और साथी समाज का क्या रोल रहा है। आप जरूर गौर से उस सफर को देखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजय जी। थैंक यू उदय जी। आप इसी तरह मोटिवेट करते रहे और मेरा काम है सरकार के। आप तो शरीर से मजबूत हैं लेकिन अंदर से लगता है कि आप इमोशनल ज्यादा हैं, और जब आप ऊंचाई तक पहुंचते हैं तो अंदर से आप भर जाते हैं। देखिए प्रशिक्षक का काम ही होता है, कोच का काम ही होता है कि बच्चों को हर एटीट्यूड को पहचानना, उसके बाद आप उसको ट्रेनिंग ढंग से दे सकते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं कि रोज नखरे करेंगे कि मेरा तबीयत खराब है, मेरा सर दर्द कर रहा है, तो उनको प्रिपरेशन करके मैट पर लाकर उनको ट्रेनिंग देना, उनके साथ रह के हर हाल में सारा प्यार दे करके उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू अजय जी। आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम और आपकी भावनाओं का हम कदर करते हैं और हम चाहेंगे कि आप देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पे करें ताकि भारत सरकार जब आपको अवार्डेड के लिए नवाजे उस दिन हमारे लिए और उस दिन भी और हमारे लिए खुशनुमा माहौल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये अजय जी थे। डिस्कनेक्ट कर दीजिए।